क्या हो रहा है, जमीन पर कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमारे संवाददाता आपको बताने जा रहे हैं। और इसके लिए हम आजमगढ़ चलेंगे नीतीश पांडे के पास, जो कि अखिलेश यादव की सीट रही लोकसभा की और जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसी वजह से वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहा है। और नीतीश पांडे वहीं पर मौजूद हैं आजमगढ़ में, तमाम चुनाव प्रचार की कवरेज उन्होंने अभी तक आप तक पहुंचाई है। और अब आखिरी के कुछ मिनट, एक घंटे से थोड़े कम का वक्त बाकी है नीतीश, तो इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? राजेन जी, अगर इस वक्त देखने की बात मैं कहूं तो इस वक्त मैं जो उत्साह जनता में है वो देख रहा हूं, उत्साह जो यहां के प्रतिनिधियों में है वो देख रहा हूं, और इसके साथ प्रत्याशियों में जो उत्साह है वो भी मैं देख रहा हूं। इस वक्त मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ चल रहा हूं और अब एक घंटे से कम का वक्त रह गया है चुनाव प्रचार के थमने में। और आप देखिए ये गाड़ियों का काफिला, और जिस तरह से आपने जनता को दिखाया और सुनाया है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो दावा किया है उस पर हम दिनेश लाल यादव से रिएक्शन भी लेंगे और बात भी करेंगे। तो सर जरा जगह दीजिए और दिनेश जी के साथ पास में जाएंगे हम, तो जरा सा बातचीत करेंगे। तो दिनेश जी, और आप देखिए राजेंद्र जी, जगदम्बिका पाल जी भी दिनेश जी के पूरे सहयोग में यहाँ आगे बढ़ते हुए, तो जी दिनेश जी कुछ बात करना चाह रहे हैं कि अब तो एक घंटे से भी कम का समय रह गया है, और एक घंटे से कम के समय में ये जो उत्साह है वो लगातार और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोग देखिए, ये जो युवा आगे चल रहे हैं वो जबरदस्त जोश में, जी जी, और इन युवाओं में जिस तरह का जोश दिख रहा है वो देखते हैं। दिनेश जी आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें ये सामान। जी राजेंद्र जी, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं जी, दिनेश जी, अखिलेश यादव जी का ये दावा है, अखिलेश यादव जी का ये दावा है कि यहाँ और रामपुर दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। जीत के करेंगे क्या, ये भी पूछना चाहिए था ना। हाँ, हसीन सपना तो देख रहे हैं लेकिन जीत के करेंगे क्या, अगर एक बार तो जीते ही थे ना, छोड़ के गए क्यों, छोड़ के गए। और ये इस दावे के पीछे क्या लगता है? हताशा है, निराशा है। अगर वो जीत के दावे कर रहे हैं तो यहाँ आना चाहिए था, एक बार मुंह दिखाना चाहिए था, आजमगढ़ को मुंह तो दिखाया नहीं। जगदम्बिका जी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं और यहाँ पर जनता में उत्साह देख रहे हैं, तो ये उत्साह किसी खास वर्ग का या फिर आजमगढ़ के विकास का, क्या इसी क्या नाम? आप लगातार इस काफिले में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस बार जो नौजवान हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई किसान हो, इस सड़क पर खड़ा है, जिस तरह से उसके चेहरे पर दिनेश लाल या निरहुआ को देख करके हो रही है, वो उसकी खुशी इस बात का संकेत है कि वो वोट देने का मन बना चुका है, बस केवल परसों का इंतजार कर रहा है वो दे और भारी बहुमत से जिताए। क्योंकि लोगों को एहसास हुआ कि हमने अगर आजमगढ़ भाजपा को नहीं दिया था तो हमें मिला क्या, आज आजमगढ़ के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने अखिलेश को जिताया, वहाँ आजम को जिताया, और हमने विश्वास दिया, उन्होंने हमारे विश्वास को ठोकर मारा या विश्वास को धोखा दिया, बिना हमें विश्वास में लिए इस्तीफा दे के चले गए। और आज जैसा भी निरहुआ कह रहे थे कि आखिर उन्होंने अगर कोई फैसला किया, जनता से पूछते कि भाई आपने हमें इतना बड़ा विश्वास दिया था और हम उसको वापस कर रहे हैं, तो वो इस बात के लिए आज जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं आजमगढ़ के, इसलिए आजमगढ़ जो उनकी सीट रही हो उस चुनाव में एक दिन ना आए, तो इससे साफ है कि वो मान चुके हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं। लेकिन राजेंद्र जी, निरहुआ तो डटल रहे, वो गाना भी चल रहा है लगातार, और दिनेश लाल यादव जी डटे हुए हैं और हम भी इनके साथ डटे रहेंगे जब तक चुनाव प्रचार का समापन नहीं आज हो जाता है, तो मुस्कुरा रहे हैं। जी जी, मुझे लग रहा है कि इस धूप में, इस गर्मी में जिस तरह जनता जो है डटी हुई है, उनका जितना प्यार मिल रहा है, उनका प्यार आशीर्वाद इतना मिल रहा है कि अब तो मैं यहाँ जीवन भर डटा रहने वाला हूँ। जीवन भर डटे रहने वाले हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि मतलब कहीं हटने की अब बात हो गई कि भाई दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। अरे भाई, जीते थे तो क्या किए पूछिए ना, आप जीते थे यहाँ, 3 साल में क्या किए वो पूछिए, तो बताएंगे। आजमगढ़ की जनता आज फैसला जो ले रही है वो इसीलिए ले रही है कि जिताया था, उनको अवसर दिया था, पर 3 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, तो आज
जनता को फिर ये तय करना पड़ा ना कि अब हम लोग जो है सत्ता के साथ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, कमल खिलाएंगे, कमल पे बैठ के लक्ष्मी माई आएंगे, पूरा आजमगढ़ का विकास होगा। जैसे देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बना दिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और एक्सप्रेसवे तो अगर इसी तरह से यहाँ का प्रतिनिधि होगा तो यहाँ के जो गांव-गांव की समस्याएं हैं उस पर भी काम करेगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अम्रपाली दुबे जी भी साथ चल रही हैं राजेंद्र जी, जी और इनसे भी बातचीत करेंगे। अम्रपाली जी लगातार साथ डटी हुई हैं, तो माहौल कैसा लग रहा है, महिलाओं का जो रुख है वो किस तरह? महिलाओं ने अपना मन एकदम बना के रखा है, उनको जिसने कोरोना में अनाज खिलाया, उनके घर में राशन पहुंचाया, हर समस्या में उनका साथ दिया, वही सरकार महिलाओं को चाहिए। और कोई वर्ग एक बार भूल जाए, महिला कभी नहीं भूलने वाली, उनके घर को उनके बच्चों को खाना मिला है, तो हर कोई क्लियरली भाजपा सरकार के साथ है और हर कोई तैयार है, वो आजमगढ़ में कमल खिलाने चाहते हैं। एक और नाम आता था आजमगढ़ का, कभी ये कहा जाता था कि आजमगढ़ में क्राइम बहुत था, तो क्राइम कंट्रोल को लेकर कुछ वादे हो रहे हैं और महिला की स्थिति, महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है? राज्य में भाजपा सरकार आने से ही जो ये आजमगढ़ है, यहाँ पे हम लोग सुनते थे 4 बजे के बाद लड़कियाँ अपने गांव से निकल के अपने गांव के बाजार में नहीं जाती थी, आज हम लोग देखते हैं 9-10 बजे फैमिलीज आराम से डिनर करके अपने घर को लौट रही है रेस्टोरेंट्स में। तो ये जो सेफ्टी फील कर रही है औरतें, लड़कियाँ जो सेफ फील कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार, योगी सरकार की वजह से फील कर रही है और ये उनको याद रहेगा और इसीलिए यहाँ पे दिनेश जी को ही चुनेंगे वो लोग। तो घड़ी की सुई लगातार आगे बढ़ रही है राजेंद्र जी। जी जी जी। और दिनेश लाल यादव जी भी अपने प्रचार को करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पर ये मोबाइल पर इन्होंने लाइव भी करना शुरू कर दिया है और जनता इन्हें भी देख रही है, एबीपी गंगा पर भी इनको जनता देख रही है और इनका उत्साह भी देख रही है। तो क्यों दिनेश जी, जनता उत्साहित है, आप भी उत्साहित हैं? बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा अवसर मिला है सरकार के साथ, हम अपने आजमगढ़ को जोड़ के यहाँ से कमल खिला के और फिर यहाँ का विकास कर पाएंगे। अच्छा, जो काम यहाँ नहीं हो पाया उन काम को करने के लिए ही हम लोग आए हैं। देवारा में 12 पुल बनने थे, लगातार ये लोग यहाँ जीतते रहे, इनके प्रतिनिधि जीतते रहे, आज तक 12 में से 1 पुल नहीं बना है इन लोगों ने, वो सब बनाना है क्योंकि अभी बारिश के समय उनका जीवन बहुत ही दुर्भर है। विधानसभाओं में जल जमाव की भी बड़ी समस्या है, बहुत समस्या, बाढ़ की भी समस्या है, बाढ़ की भी उनको दूर करेंगे। हम लोगों का यही प्लान ही है कि हम उसको जो है रिंग बांध बना के गाँव को भी सुरक्षित करेंगे और जो पुल का निर्माण नहीं हुआ है वो भी करवाएंगे। आजमगढ़ का सारा काम हम लोगों ने लिख के ले लिया है, हर गांव में जाके, हर विधानसभा में जाके, हर मंडल में जाके, तो उस पर तत्काल काम शुरू करेंगे। अभी नेता नेता की राह पे है पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल, होना ही चाहिए क्योंकि यही वो जनता है जिसे जिन लोगों ने मुझे अभिनेता बनाया, तो अब उनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है तो मैं पूरी तरह से समर्पित हुआ हूँ, वो आधा अधूरा वाला काम नहीं होगा, आधा अधूरा वाला कोई काम नहीं होगा। और घड़ी की सुई भी बढ़ रही है तो धुक-धुकी भी बढ़ रही होगी? बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जो आजमगढ़ की जनता ने जब पिछली बार आया था तब भी नहीं धुक-धुकी पड़ी, जबकि उस समय मेरा विरोध भी था बहुत, मेरे बिरादरी के लोग बहुत विरोध भी कर रहे थे कि आप क्यों अखिलेश यादव जी से लड़ गए इतने बड़े नेता से, लेकिन इस बार कोई विरोध नहीं है, सब लोग उल्टा साथ दे रहे हैं, आ करके और मेरे साथ मिल रहे हैं, जितने यादव लोग हैं, BDC है, प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, गांव की जनता है, सब लोग मेरे साथ आ गए हैं, तो अब दुख दुखी नहीं है। दिनेश जी एक और सवाल है कि आपका गाने वाला अंदाज वो है तो ज़रा एबीपी गंगा के दर्शक आपको देख रहे हैं और उनसे अगर आप अपने गाने वाले अंदाज में कहेंगे तो कैसे अपील कर रहे हैं? अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे, आर होई चाहे पार, निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। धन्यवाद। तो राजेंद्र जी आप देखिए दिनेश लाल यादव जी लगातार अपने प्रचार को आगे बढ़ाते हुए जी जी, जी, जी। इनके साथ नीतीश, आप एक सवाल पूछ सकते हैं?
निरहुआ से भी और उनके समर्थक जगदम्बिका पाल वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि गुड्डू जमाली ने आपके ही सवाल के जवाब में कहा कि वो तो चुनाव जीत रहे हैं लेकिन नंबर दो पर भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है शायद, तो गुड्डू जमाली एक किस्म से तारीफ कर रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की और बीजेपी की चांसेस को वो मजबूत बता रहे हैं। नीतीश, इस बाबत भी आप सवाल कर सकते हैं। जी राजेंद्र जी, जिस तरह से हमने बात की और हमने सवाल दिनेश लाल यादव जी से भी पूछ लेते हैं। दिनेश जी, गुड्डू जमाली का ये कहना है कि दूसरे नंबर की पार्टी आप लोग रहने वाले हैं और वो एक नंबर पर रहने वाले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि किसी से नहीं है, तो आपको क्या लगता है गुड्डू जमाली कहीं आपको पिछले से अगले नंबर पर ला के दो नंबर बता रहे हैं, कुछ तारीफ वरीफ कर रहे हैं, कुछ लगाव सा लग रहा है? मुझे लगता है जिस मुद्दे पर यह चुनाव है उसमें ये दोनों लोग नहीं टिकने वाले हैं। उसका कारण है, अगर गुड्डू जमाली जी जीतेंगे तो क्या करेंगे, डेढ़ साल तक रोएंगे कि मैं सत्ता में नहीं हूँ इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, उनके बड़े भैया जीत के क्या कर लिए, कि ये क्या कर लेंगे। तो यहाँ जनता ने मन बनाया है, ये सारा इनका समर्थन जो है वो सत्ता के साथ ही होगा, भाजपा के साथ ही होगा, कमल के साथ होगा, निरहुआ के साथ होगा। यही सवाल हम जगदम्बिका पाल जी से भी कर दे रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी, जिस तरह से बसपा प्रत्याशी हैं तो वो ये कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर बीजेपी और मैं पहले नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर चूंकि समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि लड़ाई किसी से नहीं है, हम ही हम हैं। बसपा और सपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, अभी जो विधानसभा के परिणाम आए, जो बसपा का परिणाम आया उससे साफ है कि बसपा का क्या परिणाम था, और सपा का भी जो परिणाम है वो सपना सरकार बनाने का देख रहे थे, 125 पे सिमट गए। 37 वर्षों के बाद वो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो अब आज आजमगढ़ चुनाव, रामपुर का उपचुनाव उसके बाद हो रहा है। अब इस प्रदेश की जनता ने दो तिहाई बहुमत से जब चुना है तो आजमगढ़ के लोगों के मन में भी इच्छा है, रामपुर के भी मन में इच्छा कि हम क्यों ना उस देश की विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। ठीक है, किसी जज्बात में उन्होंने अखिलेश को जिताया था, किसी भावना में उन्होंने आजम को जिताया था, लेकिन आज उन्हें मिला क्या, जैसा भी निर्माण का है। अब तो मिलने वाला ये है कि चाहे गोरखपुर से वाराणसी का लिंक एक्सप्रेसवे हो या अभी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जिक्र कर रहे थे, आज ये आजमगढ़ गोरखपुर वाराणसी से भी फोर लेन से जुड़ गया, लिंक एक्सप्रेसवे से, हाईवे से बिहार से जुड़ गया। तो आजमगढ़ आखिर जो पूरी रात चल करके लखनऊ नहीं पहुंच पाते थे, अब कुछ घंटों में आजमगढ़ पहुंच जा रहे हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि अगर आजमगढ़ के पेरिफेरी का ये विकास हुआ है, तो अगर ये हमारा भाजपा को हमने इस बार वोट दिया, तो अब हम जैसे और जगह का विकास हो रहा है, गोरखपुर का विकास हो रहा है, वाराणसी का, प्रयाग का, लखनऊ का, कानपुर का, सिद्धार्थनगर का, तो ऐसे विकास इस आजमगढ़ का भी होगा। तो साफ है वो लोग नंबर दो नंबर तीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, नंबर एक का फैसला आजमगढ़ की जनता कर चुकी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है नीतीश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जगदम्बिका पाल की बात हमने देख ली, आपने दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात भी हमें दिखाई सुनाई, उनसे आपने बात की और सिर्फ कुछ मिनट बात की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।